अरब लोगों को आप पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज से लाके हिंदुस्तान में कहाँ रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगह कहाँ है? सॉरी बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ। सुबह लोग बैठ के चाय पे ये सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि न्यूज पढ़ते हैं, पॉलिसी आई, हम पूरी पूरी रात बैठ के उन पॉलिसीज को बनाते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम हमें बताओगे हम क्या कर रहे हैं? माय फादर इज अ पुलिसमैन, आई एम अ कश्मीरी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कल रात में बैठ के बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चैप्टर है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चैप्टर में स्टार्टिंग के 10 चैप्टर में डेवलपमेंट, वुमेन सेफ्टी, हेल्थ इश्यूज कहीं पे कुछ नहीं है। उनके हमने जिस सरकार को इलेक्ट किया है उसके मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिखी थी ये चीजें, 370 NRC, CAV सब कुछ बताया गया था। बट हम हिंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ी नहीं, हमें नहीं पता था। पूरी पूरी रात बैठ के उन पॉलिसीज को बनाते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम हमें बताओगे हम क्या कर रहे हैं? मेरे को पता है बीजेपी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। बीजेपी पार्टी बनी कैसे कि 70s के टाइम पे जब इमरजेंसी आई थी तब ABVP ग्रुप बनाया था अरुण जेटली सर ने, जब वो DU में LLB कर रहे थे, उन्होंने एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू करा था, जिसके बाद जिसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। वन डिफरेंस, जब उनकी पार्टी थी इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर ना पुलिस वाले छोड़े, और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूंगी बिकॉज वो कुत्तों से कम नहीं है। माय फादर इज अ पुलिसमैन, और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूंगी बिकॉज वो कुत्तों से कम नहीं है। हमारी इकोनॉमी की मिनिस्टर, इतनी सैल्यूट टू हर, वो कहती है कि मुझे टेंशन नहीं है, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। ये क्या है? मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मेंबर सुप्रिया जी,